देखिए फ्रेंड्स, क्लास 12th के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 है लॉस्ट स्प्रिंग का। इसका पढ़ लेते हैं हम लॉन्ग आंसर्स। तो समझिए इसको, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। राइट एन अकाउंट ऑफ बांग्लादेशी स्क्वाटर्स इन सीमापुरी एज डिस्क्राइब्ड बाय द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। देखिए लेखिका के अनुसार, लॉस्ट स्प्रिंग के लेखिका के अनुसार वर्णन कीजिए, राइट एन अकाउंट वर्णन कीजिए बांग्लादेशी स्क्वाटर्स का इन सीमापुरी के अंदर, एज डिस्क्राइब, जो वर्णन किया गया किसके द्वारा, लेखिका के द्वारा जो वर्णन किया गया। इनका कहने का मतलब ये है कि इस दिल्ली के अंदर जो सीमापुरी में लोग बस गए थे आके, कौन बांग्लादेशी, उनका वर्णन कीजिए। ओके, आंसर समझे इसका। सीमापुरी इज अ प्लेस, सीमापुरी एक स्थान है, सीमापुरी इज अ प्लेस, सीमापुरी एक स्थान है। ऑन द आउटर स्कर्ट्स, इसका मतलब निकालेंगे बाहरी हिस्से का, ऑफ दिल्ली, दिल्ली का, तो दिल्ली के बाहरी हिस्से का एक स्थान है कौन, सीमापुरी। सम पीपल, इसको पढ़ेंगे पीपल, सम पीपल, कुछ लोग फ्रॉम बांग्लादेश, बांग्लादेश से, सम पीपल फ्रॉम बांग्लादेश, कुछ लोग बांग्लादेश से, कैम हेयर, कम की सेकंड फॉर्म कैम, कैम हेयर, यहां पर आए थे इन 1971, 1971 में आए थे। आगे है साहेब्स फैमिली, साहेब की जो फैमिली है इज एमंग देम, साहेब की फैमिली उनके बीच थी। मतलब क्या इस बात का कि बांग्लादेश से जो लोग आए थे, जो बसे थे सीमापुरी के अंदर, जो साहेब की फैमिली थी वही उनके बीच थी, मतलब उनके साथ आई थी। एट दैट टाइम सीमापुरी, एट दैट टाइम, एट दैट टाइम का मतलब होता पूरे का मतलब निकलेगा उसी समय, एट दैट टाइम उसी समय, सीमापुरी वॉज अ विल्डरनेस, सीमापुरी एक जंगल था, विल्डरनेस क्या था, एक एरिया था, जंगल था। दीज पीपल, ये लोग, दीज पीपल, ये लोग स्क्वाटेड, बस गए थे, ये जो लोग थे बस गए थे हेयर यहां। दे मड स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, दे उन्होंने मैड स्ट्रक्चर्स, उन्होंने स्ट्रक्चर्स बनाए हो मड, मड के, कीचड़ के, विद रूफ और छत बनाई, मतलब कच्चे मकान बनाए उन्होंने और कच्ची छत बनाई। ऑफ रूफ, ऑफ रूफ का मतलब होता है छत, ऑफ टिन, और टिन बनाई, टिन की छतें बनाई, एंड टॉर्पोलिन, ये धातु का नाम है इन चीजों की, उन्होंने छत बनाई, घर बनाए और कच्चे घर बनाए, मड के बनाए, मड में से क्या होता है, कीचड़ होता है। आगे है दिस एरिया इज डिवॉइड, दिस एरिया, यह जो क्षेत्र था, एरिया मतलब क्षेत्र, इज डिवॉइड, ये बच गया था ऑफ सीवेज, सीवेज और ड्रेनेज से, सीवेज का मतलब होता है जहां पे गंदा नाला बहता ना, तो उन एरियो से बच गया था, उससे गंदी चीजों से बच गया था। आगे देखें, और या ड्रेनेज, और या रनिंग वाटर, जो पानी बहता है, गंदा पानी बहता है, उससे बच गए थे। हेयर यहाँ, हेयर यहाँ 10,000 रेक पिकर्स, 10,000 कूड़ा बीनने वाले और लिविंग रह रहे थे कहां पे, सीमापुरी के अंदर। दे हैव बीन लिविंग सिंस, वे रह रहे थे, प्रेजेंट का परफेक्ट है, दे प्लूरल है तो क्या आएगा, हैव, दे हैव बीन लिविंग, वे रह रहे थे सिंस देन विदाउट एन आइडेंटिटी, तब से वो रह रहे थे जब उनकी पहचान भी नहीं थी, विदाउट परमिट, वो बिना आज्ञा के रह रहे थे, बट विद राशन कार्ड, उन पर राशन कार्ड प्राप्त हो गया था, राजनेताओं लोगों ने उनको दिलवा दिया था राशन कार्ड बोर्ड लेने के लिए। दैट गोट देयर नेम्स, और उनका नाम चढ़ गया ऑन वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट पर, इसी वजह से उनका नाम चढ़ गया था। देखिए हुआ क्या, इन पे पहचान तो थी नहीं, इनको राशन कार्ड दिलवा दिए किसने, नेताओं ने, पॉलिटिशियंस ने, तो फिर क्या हुआ, वोटर लिस्ट पर नाम चढ़ गया और उनको वोट देने लगे। दे आर ऑथोराइज्ड, दे आर ऑथोराइज्ड, उन्हें आज्ञा दे दी गई, दे आर ऑथोराइज्ड, उन्हें आज्ञा दी गई टू बाय, खरीदने के लिए ग्रेन, अनाज को, एट देयर राशन कार्ड, उनके राशन कार्ड के द्वारा। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट, फूड इज मोर इम्पोर्टेंट, फूड, खाना बहुत ज्यादा अधिक जरूरी होता है फॉर सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए। फूड इज इम्पोर्टेंट, फूड इज मोर इम्पोर्टेंट, फूड बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है फॉर सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए, अस्तित्व के लिए, देन की अपेक्षा, एन आइडेंटिटी, और एक पहचान की अपेक्षा, सर्वाइवल के लिए खाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इस वजह से उनको राशन कार्ड मिल गए और अनाज मिलने लगा, इस तरीके से वो रहने लगे वहां पर।